नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज बात करें जॉन रा जॉनी लीवर के बारे में, जिन्हें दोस्तों लोग आज कॉमेडी किंग कहते हैं। लेकिन क्या आप लोग बताया कि इन्होंने कब अपनी लाइव जिंदगी स्टार्ट किया था, आज ये फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दोस्तों शायद आप लोग जानते होंगे। दोस्तों यदि आप लोग भी इनके बारे में फुल स्टोरी देखना सुनना चाहते हैं तो मेरी वाली चैनल जुड़िए। मैं आप लोग दोस्तों हर रोज़ एक नए क्रिएटर इस पर बताऊँ कि लोग किस तरीके से यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, कैसे हाईलाइट ट्रेंडिंग चले जाते हैं। दोस्तों जॉनी लीवर एक ऐसी गरीबी छूट कर दोस्तों आज ऐसे मुकाम पहुँच गए हैं जहाँ दोस्तों लोग आज को सल्यूट मारते हैं। लेकिन दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है झोपड़पट्टी से। और दोस्तों इन्होंने जब अपने लाइव जिंदगी स्टार्ट किया था दोस्तों, इनको भी नहीं पता था कि दोस्तों मैं इतना कुछ कर पाऊंगा। दोस्तों धन दौलत शोहरत कमाना दोस्तों हर किसी की बात होती है, लेकिन दोस्तों उससे हंसी मुस्कान नहीं खरीदी जाती है। दोस्तों जॉनी लीवर ने अपनी अंदर की एक्टिंग, अपने अंदर कला दिखाकर दोस्तों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, हंसी लाते हैं। बहुत से लोग आज इनके बारे में अलग अलग तरीके से घुमा फिरा बताते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग बताए कि रियल में जॉनी लीवर कहाँ के रहने वाले हैं, कब इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम रखा था और कैसे कैसे स्ट्रगल करके इन्होंने इस पोजिशन पर आए हैं। दोस्तों बहुत सी चीज़ें जो कि आज मैं आप लोग को वीडियो में बताऊँगा, दिखाऊँगा, आप लोग डिस्प्ले भी देख के समझ जाएंगे कि जॉनी लीवर की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, कब इन्होंने इस पोजिशन पर आए और स्टार्टिंग में ये कैसे काम किया करते दोस्तों, कंपनी में काम किया करते स्टार्टिंग में। लेकिन दोस्तों कहा जाता है यदि आपके अंदर टैलेंट हो रहा है, जिस प्रकार से इन्होंने अपनी लाइव जर्नी की स्टार्ट किया था दोस्तों, पहले तो ये अपनी कंपनी में ही और एक्टिंग किया करते थे, बहुत सारे शो हुआ करता था उसमें वो अपना भाग लिया करते थे। कंपनी वाले इनको डायरेक्टली इन्वाइट किया करते थे क्योंकि दोस्तों जो इनकी अंदर कला थी, जो इनके अंदर एक्टिंग थी, हंसी लाने की, जो कॉमेडी करने की, बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। पहले स्टार्टिंग तो लोग इनको पागल बेवकूफ ही बोला करते थे। लेकिन दोस्तों कहा जाता है स्टार्टिंग में हर किसी को लोग ऐसे ही बोलते हैं। दोस्तों ये पहले झोपड़पट्टी में रहा करते थे, लेकिन दोस्तों जब इन्होंने मुंबई में आकर अपनी इंडस्ट्री से स्टार्टिंग की, जब ये कंपनी से अपना एक्टिंग करना शुरू किया, तब लोग उनको वहीं से जानना सुनना पसंद करने लगे। और दोस्तों आज जॉनी लीवर पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और दोस्तों भोजपुरी नहीं, बहुत सी ऐसी फिल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड बॉलीवुड, बहुत से इंडस्ट्री में इन्होंने काम किया है, जो दोस्तों बहुत सारे एक्टर सिंगर्स आज इनको सल्यूट मारते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत से क्रिएटर इनको ही देखकर अपने अपने आप को एक मोटिवेशनल करते हैं, अपने आप को एक ऐसे इंडस्ट्री में कदम बढ़ाते हैं जहां से लोग इनको देखकर सीखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश से इन्होंने अपनी लाइव जर्नी स्टार्ट किए थे और दोस्तों आज ये मध्य प्रदेश में हैं क्योंकि दोस्तों जो मुंबई सिटी है, दिलवालों की सिटी है, यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग अपने आप को चेंज कर पा जाते हैं। बहुत से एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, बहुत से ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहाँ दोस्तों आज मुंबई में उसको स्थापित किया गया है। बहुत सारे आज लोग मुंबई में जाकर अपने आप को हीरो समझते हैं और दोस्तों उनकी लाइफ वहीं पर चेंज हुई। दोस्तों जब ये मुंबई में गए, महाराष्ट्र में गए, तब दोस्तों इनके जीवन में एक ऐसा दोस्तों उजाला आया, जैसे ये लोगों के चेहरे पर हंसी लाते थे, मुस्कान लाते थे, उनके चेहरे पे दोस्तों मुस्कान आ गई। दोस्तों बहुत से लोग आज जॉनी लीवर को बताते हैं कि पहले से ही वो एक्टिंग की दुनिया में थे, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ, उन्होंने कोई ऐसा क्लास नहीं किया था कि दोस्तों वो एक्टिंग सीखे हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर अपना ऐसा कोई कार्यक्रम में किया हो या वहाँ से कंप्लीट किया हो कोई अंदर की टैलेंट ही, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। उनके अंदर जो नॉलेज था, जो कला था, जो एक्टिंग था, बचपन से जो उनके अंदर कीड़ा रेंगता था, उन्होंने सिर्फ ही सिर्फ पब्लिक को वही दिखाया है। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि यदि मैं ऐसा कुछ करूँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, लेकिन दोस्तों उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ वो वही करते थे जो उनको अच्छा लगता था। दोस्तों उन्होंने बहुत सी एक्टिंग किया, बहुत सी मेमिक्री किया, आज बहुत से एक्टर सिंगर के बारे में वो बताते हैं, दिखाते हैं। लेकिन मैं आप लोग बता दूँ, जब ये इंडस्ट्री में आए, हॉलीवुड इंडस्ट्री में आए, तब इनको लोग कहते थे कि ये क्या कर पाएगा। लेकिन मैं आप लोग बता दूँ, जब स्टार्टिंग में बहुत से बंदे वही बोलते हैं क्योंकि दोस्तों लोग औकात देखकर बात करते हैं और स्टार्टिंग में उनकी औकात कुछ भी नहीं था। जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आए थे इनकी पोजीशन जीरो थी, लेकिन इन्होंने अपनी पोजीशन को कभी भी दोस्तों नहीं देखा, झाकर पीछे कभी कदम नहीं बढ़ाया, आगे कदम बढ़ाते गए और आगे जो उनकी सोच थी, जो उनकी अंदर टैलेंटी थी, उसको दिखाते गए। आज पूरे इंडस्ट्री में दोस्तों जॉनी लीवर को लोग सैल्यूट मारते हैं, उनको देखकर कुछ सीखते हैं, मेमिक्री भी करते हैं और एक्टिंग भी करते हैं, कॉमेडी की। आज भोजपुरी इंडस्ट्री, हिंदी, जो भी दोस्तों आप लोग मूवी देखते हैं, बहुत से एक्टिंग के लोग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों
स्टार्टिंग में जॉनी लीवर ने अपनी एक्टिंग स्टार्ट किया हॉलीवुड से, और दोस्तों आज बहुत से एक्टर सिंगर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों जॉनी लीवर के बारे में यदि आप लोग भी थोड़ा कुछ भी जानते हैं दोस्तों कमेंट सेक्शन बताइए, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि जॉनी लीवर की फैमिली में कौन कौन है और आज इनकी जो इनकम है कितनी है कितनी नहीं, आज ये कैसे स्ट्रगल करके इस पोजिशन पर आए हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें दोस्तों हैं जो कि आप लोग जानेंगे सुनेंगे, और दोस्तों आप लोग को मैं ऐसे ही इंटरटेनमेंट की दुनिया में और दोस्तों इस भोजपुरी इंडस्ट्री की दुनिया में जितने भी कलाकार एक्टर सिंगर्स हैं और जो यूट्यूबर हैं मैं आप लोग को बताता हूँ दिखाता हूँ कि लोग कैसे किस तरीके से यूट्यूब स्टार्ट करते हैं और कैसे हाईले ट्रेंडिंग चले जाते हैं। दोस्तों बहुत से लोग यही सोचते हैं कि हमारे पास कैमरा नहीं है, लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर नहीं, मेरे पास कोई भी सुविधा नहीं है, मैं कैसे काम करूँ। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग बता दूँ, हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, एक कला होता है, सिर्फ उसको दिखाने के लिए, उसको दर्शाने के लिए आपको एक प्लेस मिलना चाहिए और आपके अंदर भी जुनून होना चाहिए। जिस प्रकार से जॉनी लीवर ने अपने अंदर टैलेंट दिखाई उसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों आपको कोई बहुत बड़ा सिंगर्स आएंगे आपको ले जाएंगे, बहुत बड़ा मूवी वाले आएंगे आपको ले जाएंगे, बहुत बड़े सिंगर एक्टर आपको पास आएंगे, लेकिन दोस्तों मैं आप लोग बताऊँ दीदी आपके अंदर टैलेंट है तभी लोग आएंगे, क्योंकि बिना टैलेंट के कोई भी किसी को नहीं पूछता है। दोस्तों वो भी अपने अंदर टैलेंट को दिखाए आज उनको लोग सपोर्ट करते, क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों को हंसाते हैं, उनके चेहरे मुस्कान लाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो पैसा तो कमाते हैं करोड़ों लाखों, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हंसी कैसे आएगी। तो सिर्फ दोस्तों वो इंटरटेनमेंट के लिए अपने इस कदम को बढ़ाया, आज पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं कॉमेडी किंग के नाम से। और दोस्तों मिलते रहेंगे रोज एक नई सूचना, तब तक लिए जय श्री श्रीकाल।